ग्राम कुशरोद में एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम 15 अगस्त शाम को 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें कवि सम्मेलन में वीर रस कवि प्रमानंद दादी कोटा, मुकेश मोलवा वीर रस इंदौर, निशा उज्जैनी उज्जैन, धनपाल धमाका प्रतापगढ़, लोकेश लेखन धरियावत विजय विद्रोही राजस्थान, पायल पंडित वीर रस कवि ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें कार्यक्रम के अतिथि आजाद जैन, बाबूलाल सोनी, भरत चंद्रपाल शर्मा, जितेंद्र सिंह पवार, हरिशंकर कुमावत, नाथूलाल सूर्यवंशी, राधेश्याम सूर्यवंशी, रामजी भवैया, रंगलाल धनगर, राधा किशन पाटीदार, जयेश जैन आदि अतिथिगण की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह इंडियन आर्मी एवं मध्य प्रदेश पुलिस सेवा देने वाले गांव के जवानों को एवं उनके माता पिता को सम्मान किया गया। सामाजिक समरसता के माध्यम से सभी समाज एक हिंदुस्तानी बनकर रहने का निवेदन किया गया। वही निवेदक सरपंच गोपाल ओझा के नेतृत्व में कार्यक्रम का देर रात तक समापन हुआ। भाव राखी जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था, वो भूल गया कारगिल के युद्ध में जिन बेटों के शौर्य ने उनके बोरिया बिस्तर समेटे थे। अरे सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती मां के बेटे थे, भारत माता की। सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा देहाती माँ के बेटे हैं, वो माँ जो सूरज से पहले उठकर गायों का दूध दुहा करती है। मेट्रो सिटीज में भले ही 8-9 बजे तक सोई रहती होगी महिलाएं, मेरे गांव में आज भी सूर्योदय नहीं होता है उसके पहले हमारी माताएं बहने जाग जाया करती हैं। वो माँ मंच खंड के द्वारा आयोजित एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम में पधारे गांव के सम्मानित सभी प्रबुद्ध जन अतिथिगण और इस आयोजनकर्ता के सभी सदस्यगण, ग्राम पंचायत सम्मानित गोपाल जी ओझा और सभी युवा साथियों, माताओं बहनों भाइयों, सभी नागरिकों को बड़े हर्ष की विषय है कि इस गांव में मंचों और जिला लेवल और प्रदेश लेवल के जैसे आयोजन जहां वहां होते हैं, ऐसे आयोजन आपके। द न्यूज़ टुडे के लिए सेमलिया काजी से शाहरुख रजा की रिपोर्ट।